बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान में जो पावर प्ले है उस हवाले से चार अहम चीज़ें। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से अखज़ क्या किया, वही जो पहले हम देख रहे हैं पिछले कुछ जो हेयरिंग्स हो रही है उसमें, कि जी समाअत में ये आज भी क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है जो हैं सियासी इदारे उनकी तरफ, सियासी इदारे क्या, सियासी पार्टियों की तरफ। आप बात करें और आगे बढ़ें, लुबे लुबाब यही है। वो एक दूसरे को कह रहे हैं जी पुरान, जो जैसे हमने देखा पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी अब पुरानी बातें छोड़ें, उन्होंने पीटीआई को कहा आप पुरानी बातें छोड़ें। आपस में पार्टीज़ कह रही थी इन कोर्ट, और ये था कि जी बात आप करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं है। और मई 14 इज़ आउट, आउट एंड आउट, पहले भी हम कह चुके हैं, उसको फिर रिपीट करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है वो कायम है कि भाई आप कुछ करें, आप सियासी जमातें कोई लेके आए हमारे पास प्रपोजल, तो फिर हम ये जो 14 मई वाली है हमारी जजमेंट, उसको हम फील्ड से वापस लाएंगे। फॉर नाउ इट्स इन द फील्ड, बट लुबे लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ नोज कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसके तहत आर्टिकल 190 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि तमाम जो इदारे हैं हुकूमत के वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी बात पर अमल करेंगे जब आपने कोई जजमेंट इन्फोर्स करनी है। बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड, दैट विल नॉट हैपन इन द केस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है। तो वो बात रोज़े रोशन की तरह आया है, उस पर तनकीद करें क्या करें, बट दिस इज़ द प्ले राइट नाउ कि वो नहीं होगा। तो वो इस वजह से कह रहे हैं भाई आप लोग बात कर लें, आपस में बात करें और बात फैसला कुछ करें। और आपको पता है मीटिंग्स भी अहम हुई सुप्रीम कोर्ट के और सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान। सो एनी वे, दैट्स वे द सुप्रीम कोर्ट इज़ वॉट लुकिंग एट द पोलिटिकल पार्टीज एंड सेइंग आप बात करें तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, नंबर दो जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और ये सबने देखा कि 174 वोट्स पहले मिले थे व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, आज 180 वोट्स मिल गए। तमाम जो इनके साथ खड़े हैं पार्टीज़ वो भी खड़ी हैं और भी ज़्यादा इनको अब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ विद पीटीआई आउट ऑफ द सीन, अपना तय करके जो वो निकल गए थे असेंबली से, अब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं ज़ोर ज़ोर कि हम अंदर आने दें, लेकिन फिलहाल वो बाहर हैं। और जो अंदर थे उन्होंने सपोर्ट किया 180 वोट्स लेके। तो द प्राइम मिनिस्टर ठीक है जी, नेचुरली अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी बात कि जी आपकी बात वो नहीं मानी, आपका फाइनेंस बिल, यानी कि आपकी बात नहीं मानी पैसे एलोकेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, ओहो तो फिर तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर काहे को। तो ये दिखाने के लिए कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पास सपोर्ट है, तो पार्लियामेंट में तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, ही गॉट द वोट्स। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रपोज द रेजोल्यूशन और उनको वोट मिल गया। चलें जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल गया। ये छोटी सी बात कहते चलें कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जितनी दफ़ा भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस तो अपनी जगह, अगर एक मेजर पार्टी जो एक जगह खड़ी आप दूसरी जगह खड़े हैं, बट फिर भी लेट्स से दिस इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके पास और ज़्यादा सपोर्ट आ गई, 180 उनकी सीट्स हैं। तो ये, और उन्होंने क्या पैगाम दिया, एक पैगाम सबसे अहम, इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन वन डे, ऑल इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन वन डे। तो इसका मतलब पीटीआई ने जो अपना एक बड़ा एक पोजीशन ली हुई थी और एक उनकी सियासी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो तो पूरा नहीं हो रहा, और पूरा होता उनको भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने भी कह दिया कि जी ठीक है। वो कहा था ना फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए एक दिन पे, तो चलें वो भी बात हो गई। ये सेकंड चीज़ थी पार्लियामान, और पार्लियामान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तीसरी अहम चीज़, सबसे अहम चीज़ के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर जब आपस में मुज़ाकरात शुरू हुए, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, PMLN के थे इसहाक डार साहब वॉज लीडिंग द टीम, हमेशा सेंसिबल, हमेशा वाइज, हमेशा कोई ना कोई तस्फिया शुदा हल निकालते हैं चीज़ों का। और PTI में से अगेन वेटरन पॉलिटिशन, सोच बूझ रखते हैं, सूझ बूझ वाले शाह महमूद कुरैशी साहब थे। और बड़ा अहम था कि अली ज़फ़र साहब भी थे। अली ज़फ़र
यू नो कंपैरेटिवली यंग नए पॉलिटिशियन हैं, लेकिन लोगों को पता है दो टोक बात करते हैं, साफ बात करते हैं, और पॉलिटिक्स कम कानून वानून की ज़्यादा बात करते हैं। और वो फवाद चौधरी थे, इनकी मीटिंग्स में क्या क्लियर हुआ, इनकी मीटिंग्स में इन्होंने फारूक नाइक साहब ने कहा कि जी हम सोच सकते हैं जून तक तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, कोई डिसॉल्व वगैरह नहीं होगी असेंबली जून के लिए, क्योंकि बजट के लिए हमें चाहिए असेंबली इंटैक्ट। हालांकि प्रेसिडेंस है मई में भी पास हुआ बजट, बट ये इन्होंने कह दिया जून तक तो कोई सवाल नहीं कि असेंबली तहलील हो। उसके बाद कल इत्तेहादी जो पार्टीज़ की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात हो गई थी कि अपनी असेंबली टाइम पूरी करेगी, और वो टाइम क्या 12 अगस्त, तो खींच खिंचा के 12 अगस्त तक वो अपना टाइम पूरा करेंगे। हमारा ख्याल है कि इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी के जहन में। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि इलेक्शंस क्या जल्दी हो पाएँ, यानी कि जल्दी इंस्टेड ऑफ अक्टूबर सितंबर में हो जाए, आई थिंक दैट विल बी समथिंग जिसको ये देखेंगे, विल बी ओपन माइंडेड ऑन दिस जो PDM है और जो जमातें हैं तमाम इस वक्त हुकूमत में। PTI ये कह रही थी जी मई में ख़त्म करें सारा किस्सा और जून में इलेक्शंस करें, उनको भी मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बातचीत हो रही है और सेकेंड राउंड इज़ टमोरो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात ये भी बताते चलें जो आखिरी चौथी अहम बात है कि एक नहीं दो कोई चार आई हैं पटिशन्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द लास्ट 3 डेज के जी, जो दोनों KP है और पंजाब है, इनकी असम्बलीज़ को आप रीइंस्टेट करें क्योंकि बजट भी पास होना है, ये तमाम मामलात हैं। और आपको मालूम है ये थर्मिल्ला साहब ये सवाल भी उठा चुके हैं, और ये लगता है कि ये क्वाइट पॉसिबल कि वो असम्बलीज़ फिर से रिस्टोर हो जाएँ, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जी केयरटेकर का तो टाइम ही ख़त्म हो गया दोनों गवर्नमेंट्स का, KPK का और उनका पंजाब का, तो वी नीड टू हैव बेसिकली जो पुरानी असम्बलीज़ हैं उनको रिवाइव करें। ओपन क्वेश्चन है, हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पक्का वापस आएंगे, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो लुपे लुबाब यह है कि ये जो चार डेवलपमेंट्स हैं उसमें हमें लगता है कि सियासी तौर पर पेशरफ्त हो रही है, क्राइसिस से हम दूर जा रहे हैं, और लेट्स सी व्हाट टुमारो ब्रिंग्स फॉर अस, होपफुली समथिंग पॉजिटिव। वो जंग व जदल है, उम्मीद है इट्स बिहाइंड अस। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।